हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल स्नेहा अरविंद कुकबुक में। तो आज ना फिर से हम एक बहुत ही डिलीशियस सा पराठा बनाने वाले हैं। बहुत ही यूनिक सा पराठा है, चिली गार्लिक खाखरा पराठा आज हम बनाने वाले हैं। आज से पहले शायद आपने कभी भी ये ट्राई नहीं करा होगा। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी सा बनता है, तो इस बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह के कंटेंट के लिए ना एक बार चैनल पर भी ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों के लिए डो लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो डो लगाने के लिए मैंने लिए बड़ी सी परात, या बेसिकली जिसमें भी आप अपने घर में आटा लगाते हैं। और 2 कप मैंने यहाँ पे फुल भर के नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। हम लोग जब घर में आटा पिसवाते हैं तो आटा पिसवाते टाइम हम गेहूं के साथ थोड़े से चने डाल देते हैं, तो इसलिए कभी भी हमें बेसन वगैरह एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती आटे में। आप चाहें तो यहाँ पे 1/4 कप के अराउंड बेसन ऐड कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे घी डाला है। मोयन वगैरह नहीं है, ये हल्का सा घी डाला है ताकि टेस्ट अच्छा है और अंदर से पराठे क्रिस्पी बने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को आटे में और उसके बाद नॉर्मल पानी से हमारा आटा लगाएंगे। नॉर्मल वैसा ही जैसा हम पराठों के लिए लगाते हैं, पूड़ी के आटे से थोड़ा सा लूज और नॉर्मल रोटियों के आटे से हल्का सा टाइट। और अच्छे तरीके से मसलते हुए खूब अच्छे से हम हमारे आटे को नीट करते हुए आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फटाफट से लगा लेते हैं हम आटा। ये हमारा फटाफट से आटा लग के हो रहा है रेडी। ये देखिए ये हमारा आटा लग चुका है, ये देख सकते हैं आप। और अच्छे से मसलते हुए हम इसको अब इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फटाफट से कर देते हैं इकट्ठा और ढककर इसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी स्टफिंग भी बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक बोल और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये खाखरा। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये लोकल शॉप से लिया हुआ है, अहमदाबाद की एक लोकल शॉप से। और यहाँ पे मैं 2 खाखरा यूज़ कर रही हूँ। आप जितनी भी स्टफिंग बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको तोड़ के इस तरीके से डाल देंगे, ये देखिए बिल्कुल चूरा कर देंगे एकदम, जितना फाइन कर सके उतना। मिक्सी में चला के पाउडर नहीं बनाना है, हाथों से ही करना है। मिक्सी में डाल के अगर पाउडर बना दिया तो कोई टेस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो एक्चुअल टेस्ट है वो खाखरे के ग्रैनुल्स का ही होता है। साथ ही में एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके डाला है। ज़्यादा मोटा प्याज नहीं रखते हैं क्योंकि उससे फिर पराठा फटने का चांसेस हो जाते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है 1 टेबल स्पून के अराउंड गार्लिक, फ्रेश गार्लिक है, बिल्कुल फाइन चॉप करके डाला है। 1/2 टीस्पून के अराउंड मैंने यहाँ पर डाला है चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो रेड चिली वगैरह पाउडर या फिर ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, वैसे खाखरा वगैरह में ऑलरेडी नमक होता है। 1 टीस्पून के अराउंड मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है खुशबू के लिए, और साथ ही में 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है बाइंडिंग के लिए। अब सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और ये हमारी स्टफिंग बनके है रेडी। तो ये बहुत टेस्टी स्टफिंग बनती है। अब अपने आटे को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम। और अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स, यानी जिस भी साइज़ के आप पराठे बनाना चाहते हैं उस साइज़ की हम इसकी बॉल्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम बॉल्स कट कर लेंगे। और अब ना मैं क्या करती हूँ ना, किस तरीके से घुमाते हुए साइड्स को अंदर दबा देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, कहीं से कोई क्रैक्स नहीं आता है पराठे में। तो इस तरीके से आप जैसे भी बनाते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसी तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से घुमाते हुए अंदर की साइड में सारी एजेस दे देते हैं और गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल गोल बॉल बनती है। इससे बिल्कुल भी पराठा नहीं फटता है, साइड्स बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। और उसके बाद नॉर्मली जिस तरीके से हमारी चपाती बनाते हैं, फटाफट से बेल के बड़ा करते हैं इस तरीके से, अच्छे से बड़ा बना लेंगे। और इसके बाद हम बीचों बीच डालेंगे अब हमारी स्टफिंग। तो स्टफिंग डालने में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, 2 से 3 चम्मच अच्छे से भरते हुए डालना है। क्योंकि अगर स्टफिंग कम डाली जाती है ना तो क्या होता है, अंदर एयर गैप्स बन जाते हैं, इससे पराठा फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए स्टफिंग हमेशा अच्छे से डाली जाती है। और फिर क्या करती हूँ मैं, इस तरीके से प्लीट्स बनाते हुए साइड्स को सील करेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्लीट्स बनाते हुए अंगूठे से स्टफिंग को अंदर पुश करेंगे और प्लीट्स बनाते हुए पूरे पराठे को सील कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फटता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टफिंग डालने में कंजूसी नहीं करनी और सील बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा निकाल के गोल गोल करके, और ये देखिए ये हमारी लोई बन के रेडी है। अच्छे से पहले हाथों से ही दबाते हुए ना इसको स्टफिंग को क्या करेंगे, इक्वली पूरे पराठे में फैला देंगे। और उसके बाद ड्राई फ्लावर लगा के नॉर्मल हल्के हाथों से बेलेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आप इस तरीके से एक बार करके देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से अब हल्के हाथों से बेलते हुए हमारा पराठा बना लेंगे। जितना बड़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बिल्कुल पराठा नहीं फटेगा।
अच्छे से इस तरीके से बड़ा बनाएंगे। और ये देखिए, ये हमारा पराठा बनके रेडी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, पूरे पराठे में बहुत अच्छे तरीके से स्टफिंग फैल चुकी है, आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से मैं एक और आपको फटाफट से एक और बना के दिखाती हूँ। बेल के बड़ा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से स्टफिंग डालेंगे, प्लीट्स बनाते हुए पूरी लोई को सील कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारे हाथों से पूरी स्टफिंग को फैलाएंगे, ड्राई फ्लावर लगाएंगे और वापस से बेल के पराठे को कर लेंगे बड़ा। और ये हमारे पराठे बनके रेडी हैं। इस तरीके से सारे पराठे बना लेंगे और उसके बाद फिर गरम तवे के ऊपर पराठे सेकेंगे। देखिए, कभी भी ना ठंडे तवे के ऊपर नहीं डाला जाता है, पराठा बहुत टाइट हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं आता है फिर, इसलिए गरम तवे पे डालेंगे। दोनों साइड पहले बिना घी के सेकेंगे। स्टार्टिंग में अगर कच्चे पराठे पे घी लगा देंगे तो पराठा फिर कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरीके से जब ऊपर हल्के हल्के से बबल्स दिखे तब हमारे पराठे को हमें फ्लिप करना होता है। देसी घी लगाएंगे, दोनों साइड से बहुत अच्छा क्रिस्पी सेक के रेडी करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ना पराठे वगैरह घी में बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्योंकि पराठों का और घी का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब होता है। कभी भी कोई भी पराठा बनाए आप घी में एक बार सेक के देखिए, टेस्ट ना कम से कम नहीं तो 50 टाइम्स तो बढ़ ही जाता है। इस तरीके से दोनों साइड बहुत अच्छे से घी लगा के क्रिस्पी सेकेंगे, अच्छे से दबाते हुए सेकेंगे ताकि कहीं से कोई कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए, ये हमारा पराठा बन के रेडी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से फटाफट सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद आप जिस भी शेप में कट करना चाहते हैं, जैसे भी अपने पराठे को सर्व करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ पहले पराठे की, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं मुड़ रहा है, एकदम सीधा है। ये देखिए, इससे पता चलता है कि ये कितना क्रिस्पी बना है, बहुत टेस्टी बनता है, एक अलग सा टेस्ट है। आपको एक बार ये ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। मैंने इस तरीके से बीच में से कट किया है। ये देखिए आप, बिल्कुल स्टफिंग चारों तरफ से बिल्कुल भरी हुई है। जिस भी शेप में आप कट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से चार चार पीसेज में कट किया है पूरे पराठे को। ये देखिए, और ये हमारा चिली गार्लिक खाखरा पराठा बनके रेडी है, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए मैं आपको ना अंदर से खोल के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से अंदर तक स्टफिंग इसमें चारों तरफ गई हुई है, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। साथ ही में मैंने सर्व किया है इसको दही के साथ और साथ में अचार के साथ। आप चाहें तो इसको चिली गार्लिक चटनी के साथ या फिर लहसुन वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़रूर से एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का आपको मेरा ये वीडियो, मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।